A very warm good morning to all of you. This is Zagma and welcome to the SIMS official YouTube channel. So students, we are starting our function of skeletal system, classification of bones and types of joint in skeletal system. Humne apna ye new topic start kiya tha in the last video, in which topic we are done with the skeletal system. Humne skeletal system ko define kiya tha. Humne cartilage and joints ko define kiya tha human body mein. Humne padha tha that hamare jo बोन्स एंड को हमने हमने स्केलेटल सिस्टम को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था. मीन्स द एक्सल द 206 नेम बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटम आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. मीन्स हमारे बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं, जिनको हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया था, द एक्सल एंड द सेकेंड वी हैव द अपेंडिकुलर. इन एक्सल स्केलेटन फॉर्म द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी जो एंड इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ द स्कल वर्टेब्रल कॉलम एंड रिब केज. जो हमारा एक्सल स्केलेटन होता है वो लॉन्ग एक्सिस बॉडी को फॉर्म करता है. एंड हमारा इनमें कौन कौन सी बोन्स इंक्लूड होती हैं, इनमें हमारे स्कल की बोन्स, हमारे वर्टिब्रा कॉलम की बोन्स, रिब केज की बोन्स, हमारे जनरली वो बोन्स इसमें इंक्लूड होती हैं जो कि हमें हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन, सपोर्ट और जो अदर बॉडी पार्ट्स ऑर्गन को कैरी करके रखते हैं. वो वाली बोन हमारे किस चीज़ में आती है, हमारे स्केलेटन सिस्टम में आती हैं. द सेकेंड वी हैव द अपेंडिकुलर स्केलेटन. इन अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने वो बोन्स कंसिडर की थी लाइक हमारे अपर एंड लोअर लिम्स. ठीक है, जो हमारे अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स की जो बोन्स होती हैं, जो गर्डल्स जो आते हैं हमारे, जो हमारे लोअर एंड अपर लिम्स को पेक्टोरल एंड पैल्विक गर्डल हम जिन्हें बोलते हैं, उनमें जो कनेक्ट करके रखते हैं पूरे फ्रेम को, उनको हमने उस बोन्स को उसमें कंसिडर किया है. ठीक है, सो द अटैच द लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन बोन्स ऑफ द लिम्स हेल्प अस मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो हमारे एक्सियल की बोन्स होती है, जो हमारे लिम्स की बोन्स होते हैं, वो हमारे किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होती है, हमारे लिम्स की बोन्स हमारे एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए, बिकॉज अभी हम जाते किसके थ्रू, अपने अपने पैरों के थ्रू. ठीक है, जो हमारे पूरे लोअर पार्ट्स की जो बोन्स आ गई वो हमारे किस में आ गए, हमारे द अपेंडिकुलर सिस्टम में आ गए. ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में कंसिडर किए. ठीक है, लोकोमोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारे, मैनिपुलेट कर सकते हैं आवर एनवायरमेंट. ठीक है, फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम. अब फंक्शन क्या है इन स्केलेटल सिस्टम के, सो देर आर वेरियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन. विदाउट इट देर आर वेज विदाउट इट्स हम क्या कर सकते हैं, हम मूवमेंट नहीं कर सकते, हम किस चीज़ को टच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे बॉडी का फ्रेम वर्क ही एक तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इज टू प्रोवाइड द बॉडी सपोर्ट एंड शेप. बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करना, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना हमारा इस चीज़ का काम होता है, हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम का काम होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें दैट हर बॉडी ऑर्गन अपने में आप में ही क्या करता है, अपने आप में फंक्शन परफॉर्म करता है. डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट स्केलेटल कंसिडर डिफरेंट फंक्शन. अगर उनमें से एक का भी हमारे सिस्टम्स का फंक्शन को डिस्टर्बेंस आ जाए या कोई हर्डल आ जाए तो क्या होगा, बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगी. बॉडी सही से, अगर हम स्केलेटल सिस्टम में कोई हर्डल आ जाए तो हमारी बॉडी को प्रॉपर जो शेप होता है हमारी बॉडी का, सपोर्ट सिस्टम नहीं प्रोवाइड हो सकेगा. सो देर आर मैनी अदर फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम दैट हेल्प इन मैनी अदर प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स. ओके, लेट अस डिस्कस द वेरियस फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. ओके, द फर्स्ट वी हैव द सपोर्ट. बोन्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी एंड क्रेडल्स इट्स सॉफ्ट ऑर्गन. जो हमारी बोन्स होती हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं, हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जो हमारे कुछ जो सॉफ्ट ऑर्गन इन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बोन्स ऑफ द लोअर लिम्स एक्ट एज अ पिलर टू सपोर्ट द ट्रंक बॉडी. जो हमारी ट्रंक बॉडी होती है, जो लोअर लिम्स की हमारी बोन्स होती हैं, वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, दैट वी कैन स्टैंड. एंड द रिब केज सपोर्ट्स द थोरेसिक वॉल. जो हमारे अगर हम रिब केज की बात करें तो हमारे रिब केज थोरेसिक वॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ओके, द सेकेंड वी हैव इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन. द फ्यूज बोन्स ऑफ द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन. मीन्स जो हमारे बोन्स, हमारे जो स्कल की बोन्स होती हैं, दूसरे में फ्यूज होती हैं, दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जो कि क्या प्रोवाइड कर रही है, हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है हमारे किस चीज़ को, ब्रेन को. द वर्टिब्राई अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड. जो हमारे वर्टिब्राई है, स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे पीछे बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स में आती है, हमारे जो सपोर्ट सिस्टम, मेजर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है हमारे खड़े होने में,
एंड द रिब केज हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन ऑफ द थॉरेक्स. जो हमारा रिब केज होता है वो वाइटल ऑर्गन ऑफ द थॉरेक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. थर्ड वी हैव द मूवमेंट, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी कांट मूव विदाउट. अगर हमें एक प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा वी कांट मूव. ठीक है, हम इतना सा भी नहीं हिल सकते. ठीक है, हम अपना बॉडी, हम अपना हैंड को भी क्या कर नहीं कर सकते, मूव अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा हैंड में भी जो हमारी बोन्स प्रेजेंट है वो एक तरीके से सही से ऑर्गेनाइज वे में जॉइंट से नहीं जॉइंट है. ओके, सो थर्ड वी हैव द मूवमेंट. स्केलेटल मसल्स विच अटैच टू बोन्स बाई टेंडन्स यूज बोन्स एज अ लेवर्स टू मूव द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स. ठीक है, जो हमारी बोन्स होती है वो टेंडन्स के थ्रू क्या होती है, जुड़ी हुई होती है एंड वो क्या करती है, मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है. एज अ रिजल्ट वी कैन वॉक. हम क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ग्रैप ऑब्जेक्ट एंड ब्रिंग. द डिजाइन ऑफ जॉइंट डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ मूवमेंट पॉसिबल. जो हमारे जॉइंट्स का, हर एक जॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है. जो जॉइंट्स का डिजाइन होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, हमारे मूवमेंट का टाइप डिटरमाइन करता है. ठीक है, मूवमेंट को पॉसिबल कराता है. मिनरल एंड ग्रोथ फैक्टर स्टोरेज. द बोन्स इज अ रिजर्वॉयर फॉर मिनरल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैल्शियम एंड फॉस्फेट. हमें पता है दैट बोन्स क्या होती है, रिजर्वॉयर होती है कौन सी मिनरल्स के लिए, मोस्टली हमारे कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लिए. द स्टोर्ड मिनरल्स आर रिलीज इन टू द ब्लड स्ट्रीम इन देयर आयनिक फॉर्म एज नीडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. मीन्स ये क्या होते हैं, कुछ जो हमारे मिनरल होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं एंड जब इनकी नीड होती है तो उनके आयनिक फॉर्म में हमारे ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि हमारे जहाँ ऑर्गन में इनकी नीड है वहाँ पर ये जा सके. सो ठीक है, इन डीड डिपोजिट एंड विदड्रॉल्स ऑफ मिनरल टू एंड फ्रॉम द बोन्स गो ऑन ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली. एडिशनली मिनरलाइज बोन मैट्रिक्स स्टोर्स इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर. क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स भी हमारे इंक्लूड होते हैं एडिशनली. ठीक है, ब्लड सेल फॉर्मेशन. ब्लड सेल फॉर्मेशन जो हमारे मोस्ट ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है हमारा, और हेमेटोपोइसिस जिसे हम प्रोसेस बोलते हैं, अकर इन द रेड मैरो, रेड बोन मैरो में होता है हमारा. कैविटीज ऑफ सर्टेन बोन, जो हमारी कैविटी होती है बोन्स की उसको बोन मैरो बोलते हैं, जहाँ पर हमारी किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ट्राइग्लिसराइड फैट स्टोरेज. ठीक है, फैट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी. हम जानते हैं दैट फैट इज अ मेजर एनर्जी सोर्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द बॉडी एंड इज स्टोर इन द बोन्स कैविटी. कहाँ स्टोर रहता है, बोन्स कैविटी में स्टोर रहता है. ठीक है, हार्मोन प्रोडक्ट प्रोडक्शन, जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, मींस बोन्स प्रोड्यूस ऑस्टियोकैल्सिन और हार्मोन विच इज नॉट ओनली हेल्पफुल टू रेगुलेट बोन फॉर्मेशन. कौन सा हमारा ये हार्मोन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ऑस्टियोकैल्सिन हार्मोन करता है, जो कि किस चीज़ के लिए होता है, हेल्पफुल हमारा बोन्स के फॉर्मेशन के लिए, एज वेल एज ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओबिसिटी, ग्लूकोज इंटॉलरेंस एंड डायबिटीज मेलाइटिस. इन चीज़ों के लिए भी क्या होता है, हमारा ये हार्मोन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है स्टूडेंट, सो आज हम इतना ही रखेंगे. अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्लासिफिकेशन और बोन्स की बात करेंगे. सो टिल देन आप पढ़ते रहिए, कीप रिवाइजिंग द ऑल द लेक्चर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. आप रिवाइज करते चलिए एंड जो भी आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझसे कंसिडर कर सकते हैं. ओके, आप मुझसे पूछ सकते हैं इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड इन कमेंट सेक्शन. सो इफ यू लाइक द वीडियो, सो लाइक इट एंड शेयर इट एंड बाय बाय टिल देन. बाय बाय.